नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल विदर्भ यूनिट द्वारा आयोजित प्राइड लैंड रियल एस्टेट एक्सलेंस अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन होटल ली मेरिडियन में किया गया था, जहां लैंड डेवलपिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मानित किया गया है। इस दौरान मंच पर नरेडको विदर्भ के उपाध्यक्ष बृजमोहन तिवारी, नरेडको के उपाध्यक्ष निरंजय हीरा नंदानी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस, बीसीए न्यूज के संपादक इमरान शेख, लोकमत समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन विजय दारडा, विधायक परिणय फूके, नरेडको के अध्यक्ष राजन बांदलकर एवं रेरा के पूर्व अध्यक्ष गौतम चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समृद्धि महामार्ग से सर्वाधिक लॉजिस्टिक बिजनेस नागपुर वर्धा में आ रहा है। ऐसे में बिल्डर्स को अफोर्डेबल के साथ प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी साकार करने होंगे। इसमें हरियाली कायम रखने पर जोर देना होगा, इससे ही हम नया नागपुर नया वर्धा बना पाएंगे। इसमें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की अहम भूमिका होगी। वे होटल ली मेरिडियन में नरेडको विदर्भ की ओर से लोकमत के सहयोग से शनिवार को आयोजित प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान प्रमुख अतिथि के रूप में लोकमत समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद विजय दारडा, नरेडको के उपाध्यक्ष निरंजय हीरा नंदानी, उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस, विधायक मोहन मते, विधायक परिणय फूके, नरेडको के चेयरमैन राजन बांदलकर, विशेष अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष हितेश ठक्कर उपस्थित थे। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि रेरा ने राहत देने की बात कही। उन्होंने कानून को लागू करने वाला महाराष्ट्र देश स्टेट क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का पहला राज्य है। रेरा से बिल्डर से लिए नरेडको के पदाधिकारियों के डेवलपर्स के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। इससे 2014-19 तक सर्वाधिक प्रोजेक्ट्स दिए मंजूर हुए, इनमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसमें कुछ दिक्कत है जिन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने रेरा में नागपुर को भी 3 साल की राहत देने की बात कही। उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए नरेडको के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। नरेडको के अध्यक्ष राजन बांदलकर ने कहा कि बिल्डर्स की छवि को बेहतर बनाने के लिए नरेडको कार्यरत है। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सहयोग मिलता रहा है। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस नरेडको के ग्रीन इनिशिएटिव की ब्रांड एम्बेसडर है। पाकिस्तान जिंदाबाद ची घोषणा महाराष्ट्र मध्ये आणि भारतामध्ये कोणी जर देणार असेल तर त्याला सोडणार नाही, त्याच्यावर कारवाई करू, कुठे असेल तिथन शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करू। देखिए, महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं बृजमोहन तिवारी, चेयरमैन द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड। सर ने तो अभी आपको डिटेल्स दी है प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड के लिए, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये अवार्ड नरेडको विदर्भ लोकमत इन बीसीएन प्रेजेंट कर रहा है और कंसेप्चुलाइज्ड बाय नाइल प्रॉपर्टीज। जब ये ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने यही सोचा कि हमारी इंडस्ट्री तो काम बहुत अच्छा करती है लेकिन कहीं पे भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, और बाकी सिटीज़ में तो काफ़ी सारे अवार्ड्स होते हैं लेकिन विदर्भ में, नागपुर में ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को लोगों से मिला हुआ है, काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आए हैं हमारे पास में, और आगे भी हम लोग ये इवेंट करते रहेंगे। अवार्ड फंक्शन हम हमेशा विदर्भ लेवल पर करते रहेंगे। थैंक यू। तुम्हाला आज प्राइड ऑफ लैंडमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे। हा जो अवार्ड आहे हा लोकमत समूह, नरेडको विदर्भ आणि इन बीसीएन या तिन्ही चॅनलच्या माध्यमातून हा प्रेझेंट करण्यात येतो आहे। या अवॉर्डद्वारे आम्ही नरेडको विदर्भ आमच्या सर्व डेव्हलपर्सकडे पोहोचू शकलो आणि त्यांच्या केलेल्या कामांची एक पावती म्हणा, ती पावती देण्याचा आम्ही एक प्रयत्न करतो आहे। त्या व्यतिरिक्त जसं थोड्या वेळा अगोदर आपण बोललो की रियल इस्टेटमध्ये ज्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस आहेत ज्याच्यासाठी नरेडको नेहमी एक मोठं आणि महत्त्वाचं पाऊल उचलतं, ते पाऊल उचलायसाठी बाध्य करणं, त्या लेवलपर्यंत त्या बिल्डर लोकांना पोहोचायला प्रोत्साहित करण्यासाठी हा अवॉर्ड आहे। त्यामुळे तुम्हा सर्वांना सांगण्यात आनंद येतो की आम्ही नरेडको विदर्भांनी हा जो अवॉर्डचा आयोजनाचा जो महत्त्वाचा भाग आहे की लँड डेव्हलपर्स, बिल्डर्स, त्यांचे सहकारी म्हणजे कर्मचारी आणि त्यांचे कस्टमर्स, याच्या व्यतिरिक्त सेल चॅनल पार्टनर म्हणजे टोटल रिअल इस्टेटचा जो एन्व्हलप आहे त्या सगळ्यांना आम्ही कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला आणि या माध्यमातून आम्ही पूर्ण विदर्भाला याच्यासाठी प्रोत्साहित करू की त्यांनी
कानून तसंच ज्या पॉलिसी गव्हर्नमेंटनी फ्रेम करून दिल्या आहेत त्याच्या अंतर्गत लोकांपर्यंत अधिकाधिक सुविधा आणि अधिकाधिक चांगले प्रोजेक्ट दिले पाहिजे हाच आमचा प्रयत्न आहे आणि हाच चालू राहील. धन्यवाद. श्री नेटको विदर्भाने खूप चांगलं उपक्रम घेतलेलं आहे. कारण काय असतं की आपण जसं म्हणतो रोटी कपडा आणि मकान, तर आपण प्रत्येकाला घर देतो. घर देताना प्रत्येकाने जे काही नियम आहेत ते नियम फॉलो करायला पाहिजे. आणि बऱ्याचशा वेळी तुम्ही बघितलं असेल तर कस्टमर जे डेव्हलपरकडनं खूप नाराज होते, पण रेरा आल्यावरती ती परिस्थिती पहिल्यापेक्षा खूप कमी झालेली आहे. ठीक आहे, मी असं नाही म्हणणार की पूर्ण 100% म्हणतात ना 24 कॅरेट गोल्डसारखं झालेलं, असं नाही माझं म्हणणं आहे. पण आम्ही प्रयत्न करतो आहे त्याच्याकरता. आता आज ह्यांनी जे हे अवॉर्ड केले ह्याच्यामुळे काय होणार आहे, ह्याच्यामुळे लोकमतच्या बरोबर मिळून त्यांनी हे अवॉर्ड केलेले आहेत. तर ह्याच्यातनं ज्या लोकांना अवॉर्ड मिळालं ते लोक तर खुश राहतील, पण ज्यांना नाही मिळालं त्यांना पण ते पण प्रयत्न असं करतील की आम्ही आपल्यापेक्षा जे करतो आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी चांगलं करू, कस्टमर करता चांगलं बेनिफिट करू, आपण जे काही क्वालिटी करतो क्वालिटीमध्ये चांगलं सुधार करू. त्यामुळे ह्याचा नक्कीच डेव्हलपरलाही फायदा होणार आहे, सोसायटीला फायदा होणार आहे, कंझ्युमरलाही फायदा होणार आहे. लोकमत समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद विजय दारडा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे फिर सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हो या फिर पेंट, स्टील, सीमेंट. रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 300 से 350 उद्योगों को बिजनेस भी मिल रहा है. इन सभी उत्पादों का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है. ऐसे में यदि बिल्डर्स ग्राहकों को बेहतर मटेरियल का उपयोग करते हुए क्वालिटी वर्क करके देंगे तो ग्राहक भी अधिक रकम चुकाने को राजी होने के साथ ही उनमें बिल्डर्स के प्रति विश्वास और बढ़ेगा. ठाणे और पुणे में रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य के अन्य शहरों में भी ऐसे हालात पैदा होंगे. इसके लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद भी उन्होंने जताई. नड्डा ने कहा कि नागपुर में अधिकारियों की बेहतरीन टीम कार्यरत है, उनकी सहायता से विदर्भ में भी निर्माण क्षेत्र उभरेगा. इस दौरान उन्होंने निरंजन हीरा नंदानी की प्रशंसा में उन्हें रियल एस्टेट क्षेत्र का हीरा बताया. नेरिको ने जो नागपुर चैप्टर है उनका, उन्होंने प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड का आयोजन किया था और उसके लिए माननीय देवेंद्र फंडी जी भी आए थे, डॉक्टर हीरा नंदानी जी भी थे और मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए हम आभारी है उनके. और बढ़िया, बेसिकली लोगों के घर का ये विषय है जो बहुत सेंसिटिव विषय है, लोगों के मन का विषय है, ज्याला मराठी म्हणतो हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय है. और इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर, उसके सर पे छत हो, उसके बच्चों को उनके घर में रहने के लिए ज़मीन हो चाहिए. अभी करते वक्त में 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी की पूंजी जो है वो घर पर लगा देता है, चाहे वो 1 BHK होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा. मगर ये जो इसमें सबसे बड़े अगर कोई बात हो तो क्रेडिबिलिटी और विश्वास की बात है कि आप कितना अच्छा करते हो. मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको लोग जो है 500 रुपये ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनका घर गलेगा नहीं, उसमें क्रैक्स नहीं जाएंगे, ऐसे अनेक जो बातें तकलीफ होती है. और इसमें जो सारे रियलिटी में काम करने वाले जो डेवलपर्स हैं उनमें और सरकार में समन्वय की बहुत आवश्यकता है. उनके अनेक प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत तकलीफ होती है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ये जो काम है, अब रेरा है, रेरा ने तो बहुत फ़ायदा हुआ, उससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बिल आया तो मैं इसके ऊपर बोला भी था. और मैंने यहाँ तक कहा था कि ये जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, वो गलत चीज़ों को भी एंडोर्स कर लेते हैं, उनको देख के लोग जो हैं वो ख़रीद लेते हैं. तो उनकी भी, उनको भी उसके अंदर ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, ये मेरी उसमें मांग थी. तो टोटली ये है कि जो घर खरीदता है उसको लाभ होना चाहिए, निश्चित रूप से जो बनाता है उसको भी लाभ होना चाहिए. और आज तो इतना हो गया कि बहुत बैंक्स वगैरह इसको पैसा देने लगी है. मगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो रियल्टी व्यवसाय में काम कर रहे हैं वो सारे लोग जो हैं अपना सब कुछ वो भी लगा देते हैं, तो सरकार की तरफ से फाइल पे नहीं बैठते हुए जल्दी जल्दी उनको मदद मिलती रहनी चाहिए, ये मेरी हमेशा मांग रही है. मुझे विश्वास है कि उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नरेगा की वजह से, रेरा की वजह से तय हो गई है. अब एक अच्छा जो है, अच्छा आर्किटेक्ट हो, ज़मीन अच्छी हो, सस्ती हो,
ताकि घर भी सस्ते बने। जो टैक्सेशन का भाग है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर ये सब किया तो कॉमन आदमी जो है आज घर के, नहीं तो क्या होंगे, झोपड़पट्टियाँ बनती जाएंगी एक के बाद दूसरी, हम लोग फिर उसको ऑफिशियली करते जाएंगे। तो ये अगर सब निपटना है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ये बहुत आज समय की मांग है, क्योंकि जो बड़े घरों में रहते हैं वो तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, मगर जो कॉमन आदमी है उनको अफोर्डेबल होना चाहिए। और वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो बहुत प्लान्ड होने चाहिए, उसके अंदर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ स्कूल होने चाहिए, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, गार्डन्स होने चाहिए, ग्रीनरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे विश्वास है, क्योंकि विदर्भ का जो कल्चर है वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। जिस प्रकार से थाने में डेवलपमेंट हो रहा है, पुणे में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी होगा, मुझे तो विश्वास है। उसके अंदर जो भी हम लोगों की तरफ से होगा वो हम लोग करेंगे। और मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि हमने लोकमत में हमेशा ये बात की का ध्यान रखा है कि जब उनके एडवर्टीजमेंट उसमें आती है तो देखते हैं कि लोग उसको बहुत गंभीरता से उसको लेते हैं, चाहे वो यहाँ हो, पुणे में हो, मुंबई में हो, थाना में हो, कहीं भी हो, उनका विश्वास होता है। तो इसलिए हम लोग भी बहुत केयरफुल रहते हैं उनके विज्ञापन छापते वक्त में कि वो प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है और ये सब लोग रखेंगे। धन्यवाद। नरेटको के उपाध्यक्ष एवं ग्रुप के CMD निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि राज्य सरकार की सहायता से बिल्डर्स और डेवलपर्स राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट साकार होने पर मुंबई में निर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि रेरा के जरिए राज्य सरकार ने पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त एवं ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। हमें एक बहुत खुशी होती है कि नरेटको ने, विदर्भा ने एक प्रोग्राम इंतज़ाम किया है आज की तारीख में, जहां जो ज़मीन पर काम करते हैं उनको अवार्ड मिलता है। आज एक चैलेंजेस रहा है ज़मीन की डेवलपमेंट, लोगों को उत्सुकता, सरकारी कानून को पूरा करने के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों को सब सुविधा मिलने के लिए नरेटको ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से काम अच्छे काम हो रहे हैं, अलग अलग डेवलपर कर रहे हैं, अलग अलग ज़मीन के मालिक कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको चुना है। इसलिए को एक हौसला देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग इसको पूरा फॉलो करें, आगे के तारीख में लोगों को और भी सुविधाएं मिले, और भी सरकार से एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि लोगों के लिए डेवलपर उनको ज़्यादा एमिनिटीज़ दे दें। और आज के तारीख में हम उनको अवार्ड दे रहे हैं नरेटको के द्वारा, और इसलिए ये बहुत ही अवार्ड का महत्व है। ये हमारी एक जूरी रखी है जहां हम निष्पक्ष से सब इंक्वायरी किया है कि कहां कहां अच्छा काम हो रहे हैं, लोग ने अप्लाई भी किया है, और ओवरऑल एक जूरी जो है निष्पक्ष रीत से इसको स्टडी करके फिर इसका निश्चित डिसीशन लिया है। नरेटको सरकारी कानून से बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, जहाँ केंद्र सरकार भी इसका भाग लेते हैं, हमारे स्टेट के सरकार भी उसके साथ में है, महाराष्ट्र भी उसके साथ में है, तो हम साथ मिलजुल के ये कानूनी तौर पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। लोग तो उम्मीद रखेंगे कि उनकी जो रहने की जगह हो, सुविधा हो, फैसिलिटीज़ हो, एमिनिटीज़ हो, और नौकरियां भी हो, ये सब को एक साथ में हम करना चाहते हैं कि उसको कैसे हम बढ़ाएं। और आज की तारीख में नरेटको जब काम करती है वो सिर्फ अवार्ड नहीं देते, वो सरकार से एक बातचीत ठहरते हैं, हम केंद्र सरकार से काफ़ी PMAY स्कीम जो था 1 करोड़ घर बना है पूरे देश में, उसके हम नरेटको इसके साथ में बैठ के हमने कानून तौर पर बनाया है, लोगों को ये फैसिलिटी भेजी है। आज के टाइम देखिए तो आप कोई लोन लेने जाएंगे तो आपको 10% से ज़्यादा होगा, लेकिन आप घर खरीदने को जाएंगे तो वो 10% से लोन का किराए इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है। क्यों है? क्योंकि हम नरेटको के द्वारा, दूसरे कानूनी तौर के द्वारा हमने RBI के साथ बैठ के ये सब डिस्कशंस की है, और आज के तारीख में हर एक को ये फ़ायदा होता है, 10 साल के लोन मिलता है, 20 साल के लोन मिल रहा है, और हम चाहते हैं, तो इसलिए नरेटको महाराष्ट्र
विदर्भ आज के तारीख में इसको और प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम साथ मिल के ये काम करेंगे। इसके साथ ही आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके हाथों नरेडको विदर्भ का उद्घाटन किया गया, जहां नरेडको विदर्भ के अध्यक्ष घनश्याम ढोकने ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण की। इस मौके पर दीप प्रज्वलन किया गया। इस दौरान गडकरी बोले, देश में निर्माण लागत में कमी करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम निर्माण लागत में कम से कम 30-40% कमी ला सकते हैं। गरीबों को घर उपलब्ध कराने में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका अदा कर सकती है। यह विचार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नरेडको के पदारोहण समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बांदिलकर, हीरा नंदानी समूह के CMD निरंजन हीरा नंदानी, महारेरा के पूर्व चेयरमैन गौतम चटर्जी, हितेश ठक्कर, विदर्भ अध्यक्ष घनश्याम ढोकने मंच पर उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि देश में गांव और गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास की जरूरत है। उसके छोटे छोटे फैक्ट्री लगी है, उसका एप्रोड उसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा है, तो आप स्टील वापरना कम करो। जब तक अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार नहीं करोगे और 10 मटेरियल तैयार नहीं होगे तो ज़मीन पर कोई नहीं चलेगा। जब मोनोपल्ली हो जाएगी तो माव बढ़ते जाएंगे। तो आप ये अल्टरनेटिव मटेरियल जितने उतने लाओ और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अब ये जैसे मैंने स्ट्रक्चरल की बात की स्टील फाइबर की, वैसे आप ये ग्लास फाइबर स्टील के लिए भी एक बार बुलाओ उनको सबको, उसके टेस्टिंग रिपोर्ट है, मैंने NHAI में ऑलरेडी अलाउ कर दिया। तो माय सजेशन इज उसका वजन है 1 टन स्टील के बराबर 300 किलो उसका वजन है और बहुत मजबूत है स्टील से भी। तो अल्टरनेटिव मटेरियल जब लाओगे तो सब जमीन पर चलेंगे, नहीं तो मोनोपल्ली होगी तो प्रॉब्लम होगा। यह जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब टेक्नोलॉजी की मदद से लागत घटाई जाए। यह संभव भी है क्योंकि देश में भी कई नई तकनीक विकसित हो चुकी है और कई लोग इनका उपयोग करने भी लगे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।